भारत बंद पर ममता बोली, जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं वे कर रहे हैं बंद का आह्वान। भारत बंद से कई राज्यों में कामकाज प्रभावित, बिजली और बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ा असर। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को अदालतों में CISF की तैनाती को लेकर जारी किया नोटिस। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान बोला शांति के लिए भारत के पहल का स्वागत करेंगे। चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पीठ सबरीमाला मामले में 13 जनवरी को करेगी सुनवाई। मुख्यमंत्री योगी ने DGP को किया तलब, SSP वैभव कृष्ण के निलंबन की तैयारी शुरू। डेथ वारंट जारी होने के बाद डिप्रेशन में निर्भया के आरोपी खाना पीना छोड़ा। मकर संक्रांति पर गंगा नदी में नहीं चलेगी नाव, श्रद्धालुओं के लिए किए गए विशेष इंतजाम। पटना में भारी ठंड के कारण स्कूलों का बदला समय, 12 जनवरी तक कक्षा 5 तक के बच्चों की छुट्टी। मौसम में आया बदलाव, बारिश ने बढ़ाई ठंड। राशिद का एक और धमाका, करियर की तीसरी हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने रचा इतिहास, भारतीय जूनियर टीम 3 कैटेगरी में नंबर 1। मलेशिया मास्टर 2020 विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता साई प्रणीत पहले दौर में बाहर। ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का दबदबा, भारतीय खिलाड़ियों की गिरी रैंकिंग। वेस्टइंडीज ने आयरलैंड को 5 विकेट से हराया, एविन लुइस 1 रन से शतक से चूके। दोस्तों के साथ पार्टी के बाद खास अंदाज में दिखी सुहाना खान, सामने आई तस्वीरें। कंगना रनौत ने छपा कर ट्रेलर देखने के बाद दीपिका पादुकोण को कहा शुक्रिया, दी बधाइयां। 34 साल के हुए एक्टर यश डायरेक्टर ने बर्थडे पर जारी किया KGF चैप्टर 2 का पोस्टर। अक्षय कुमार की गुड न्यूज का शानदार सफर जारी। बोल्ड फोटो के बाद अब आमिर की बेटी ईरा की क्यूट तस्वीरें हो रही वायरल। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।